Hi guys, welcome to my channel. I am Shikha. So as the title says, it is a gender prediction. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि I am 34 weeks pregnant. मेरी जो Instagram family है उन सबको पता है एंड वही चाहते थे, उन लोगों की request थी कि मैं ऐसी एक video detail में बनाऊँ. एक myths है regarding pregnancy. वो pregnant lady की body को देखकर predict कर लेते हैं कि baby boy होगा कि baby girl होगी. But मुझे नहीं पता ये scientifically कितना proved है या कितना practical है. चाहे बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, डजंट मैटर, इट इज़ जस्ट अ फन वीडियो. मुझे खुद ये वीडियो बनाने में बहुत मजा आएगा. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैंने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं बॉय एंड गर्ल के लिए. तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो मेरे सिम्टम्स रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. तो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि प्रेडिक्शन कितनी सही निकली या गलत निकली, तो डेफिनेटली डिलीवरी के बाद वीडियो बनाऊंगी. तो मेक श्योर आपने मुझे सब्सक्राइब किया है और बेल बटन भी ऑन किया है. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द हार्ट बीट. सो काफ़ी सारे ऐसे मिथ्स हैं. कहा जाता है कि अगर जो हार्ट बीट रेट है दैट इज बिलो 140 BPM तो इट इज़ अ बेबी बॉय, एंड इफ इट इज़ अबव 140 BPM इट इज़ अ गर्ल. आई डोंट नो साइंटिफिकली हाउ इट इज़ ट्रू, बिकॉज मेरे टाइम पे जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उसमें 140 से नीचे ही आई थी डेफिनेटली. एंड लेटर ऑन बीच में जितने भी बहुत सारे ऐसे अल्ट्रासाउंड होते हैं उसमें जो थी 150 160 ऐसी आई थी. बट लास्ट में जाके फिर से जो हार्ट बीट रेट थे वो 140 से नीचे हो गया था. तो 140 के नीचे था तो मैं लास्ट वाला लूंगी थी, इट वॉज 138. तो लास्ट वाले को लेकर आई विल गिव दिस पॉइंट टू बेबी बॉय. सो नेक्स्ट इज का जो बेबी बम है उसको आप कैसे कैरी कर रहे हो. कहा जाता है इफ़ यू आर कैरिंग द बेबी बम हायर, वाइड है, वाटरमेलन की तरह है, स्प्रेडेड है, तो बेबी गर्ल होती है. लेकिन अगर आप लो कैरी कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे एक ओवल एग शेप है और ज़्यादा वाइड नहीं है, तो इट इज़ अ बेबी बॉय. मेरा जो है वो लोअर साइड पे है तो आई विल गिव दिस पॉइंट टू बेबी बॉय. ओके, सो नेक्स्ट इज द लाइन लीनिया नाइग्रिया. मेडिकल टर्म इज लीनिया नाइग्रिया. जो हमारा जो बेबी बम होता है उसमें सेंटर में एक लाइन होती है जो कि हॉर्मोन्स की वजह से होती है. सो कहते हैं कि अगर वो बेली बटन तक ही रहे या कर्वी हो तो इट इज़ अ चांस ऑफ हैविंग अ बेबी गर्ल. बट अगर लीनिया नाइग्रिया बटन बेली बटन से ऊपर तक आए, पूरी फुल लेंथ तक हो और स्ट्रेट हो, तो इट इज़ अ बेबी बॉय. तो मेरी जो है ऊपर तक तो है लेकिन इट इज़ कर्वी, तो ये वाला जो पॉइंट है वो मैं दूंगी बेबी गर्ल को. सो नेक्स्ट इज़ द मॉर्निंग सिकनेस, जिसे नॉजिया भी कहते हैं. बोला जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है, मतलब इट्स लाइक आउट ऑफ कंट्रोल समटाइम्स, तो इट इज़ सेट टू हैव अ बेबी गर्ल. लेकिन अगर मॉर्निंग सिकनेस कम है, फ्रीक्वेंट है, तो इट इज़ सेट टू हैव अ बेबी बॉय. तो मेरे टाइम पे जो मेरी जो मॉर्निंग सिकनेस थी इट वॉज नॉट दैट सिवियर, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट थी, कम थी. तो अगर पॉइंट देना है तो मैं पॉइंट दूंगी फिर ये बेबी बॉय को. सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्किन टेक्सचर एंड हेयर. बोला जाता है जो बाल हैं वो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, हैवी हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, हैवी हो रहे हैं, तो इट इज़ सेट टू हैव अ बेबी बॉय. एंड अगर आपकी स्किन जो है उसमें एक्ने आ जाते हैं, डल हो जाती है, बिकॉज इट इज़ सेट दैट जो बेबी गर्ल होती है मदर की जो ब्यूटी है उसको स्टील कर लेती है, तो इट इज़ सेट टू हैव अ बेबी गर्ल. बट मेरे केस में क्या हुआ था, स्टार्टिंग से ही मेरी जो स्किन थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी ग्लोइंग हो गई थी. एंड जो मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है उनको पता है कि मैंने अपने बालों को छोटा करवा लिया था, इट वॉज सो शॉर्ट. आप जाके मेरे रील्स वीडियो चेक कर सकते हो. मेरे यहाँ तक बाल थे और मैंने हेयर कट करवा दिया था ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी. मेरे जो बाल थे वो यहाँ तक थे, लेकिन सडनली मेरे बालों की ग्रोथ बहुत फास्ट हो गई एंड मुझे बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हुआ. तो आई वुड गिव दिस पॉइंट टू बेबी बॉय. नेक्स्ट इज द प्लेसेंटा पोजिशन. बोला जाता है कि अगर आपका जो प्लेसेंटा है बेबी के इंटीरियर है तो इट इज़ अ बेबी गर्ल, एंड अगर वो पोस्टीरियर है बेबी के पीछे है तो इट इज़ सेट टू हैव अ बेबी बॉय. बट मेरा जो प्लेसेंटा है थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी वो इंटीरियर ही रहा है, तो ये वाला पॉइंट जाता है बेबी गर्ल को. सो नेक्स्ट इज योर हस्बैंड्स वेट गेन. अगर तो आपका हस्बैंड वेट गेन करता है then it is said to have a baby girl. And अगर आपके पार्टनर का, आपके हस्बैंड का जो वेट है वो गेन नहीं होता है, सेम रहता है, तो देन इट इज सेड टू हैव अ बेबी बॉय. तो मेरे केस में मेरे हस्बैंड ने वेट गेन किया है,
So I would like to give this point to baby girl, but I don't know how scientifically, medically it is true. I don't know how logical it is. So as I said, it is just a fun video. So ye wala jo point hoga, main deti hu baby girl ko. So let's talk about the cravings. Salt and sour, khatta khane ka man karta hai bahut zyada. So it is said to have a baby boy, but if you crave sweets, it is said to have a baby girl. बट मेरे केसेस में स्टार्टिंग से मुझे बहुत ज़्यादा खट्टा खाने का मन करता था. लाइक आई वॉन्ट टू ईट रॉ मैंगोज, कच्चा आम खाने का मन करता था. जैसे गोलगप्पे, खट्टा, मुझे बहुत खट्टा खाने का मन करता था. एंड लेटर ऑन लास्ट ट्राइमेस्टर में मुझे स्वीट्स की क्रेविंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी. तो मेरी जो स्वीट की क्रेविंग्स थी वो कम थी, लेकिन जो खट्टे की क्रेविंग्स है वो मेरी बहुत ज़्यादा हाई रही है. तो दैट्स वाई आई एम गिविंग दिस पॉइंट टू बेबी बॉय. तो नेक्स्ट इज फुट साइज. बोला जाता है कि इफ द प्रेगनेंट लेडीज फुट साइज रिमेन्स द सेम देन इट इज अ बेबी गर्ल. इफ द फुट साइज ऑफ द प्रेगनेंट लेडी इंक्रीजेज देन इट इज सेड टू हैव अ बेबी बॉय. एंड येस आई हैव सीन अ डिफरेंस इन माई फुट साइज. एक तो वो मोटा हो गया है, दूसरा मुझे बड़ा साइज फिट हो रहा है अब. आई डोंट नो हाउ. तो आई वुड गिव दिस पॉइंट टू बेबी बॉय. सो नेक्स्ट इज द स्लीपिंग साइड. बोला जाता है कि अगर प्रेगनेंट लेडी लेफ्ट साइड सोती है, लेफ्ट साइड करवट लेके सोती है, तो देन इट इज सेड टू हैव अ बेबी बॉय. एंड अगर प्रेगनेंट लेडी राइट साइड करवट लेके सोती है, तो देन इट इज सेड टू हैव अ बेबी गर्ल. बट स्टार्टिंग से ही मेरी हैबिट लेफ्ट साइड सोने की ही थी. एंड प्रेगनेंसी के टाइम भी यस चेंजेस आते हैं. मैं लेफ्ट साइड ही सोती थी, बट कभी कभार मुझे यहाँ पे नीचे एब्डोमेन में पेन होता था, तो मैं राइट साइड हो जाती थी. बट मुझे जो एक प्रॉपर स्लीप आती थी वो मुझे लेफ्ट साइड ही आती थी. आई वुड गिव दिस पॉइंट टू बेबी बॉय. ओके सो नेक्स्ट इज द रिंग टेस्ट. तो आपके सामने मैं अभी एक रिंग टेस्ट करूँगी. तो उसमें बोला जाता है आपने अपना एक बाल लेना है और आपने अपनी एंगेजमेंट या वेडिंग रिंग लेनी है. तो उसको आपने क्या करना है, अपने बाल के अंदर डालना है एंड उसको अपनी टमी पे ऐसे रखना है. इफ इट मूव्स सर्कुलर देन इट इज सेड टू हैव अ बेबी गर्ल एंड इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ इट इज सेड टू हैव अ बेबी बॉय. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ. आपने अपनी वेडिंग रिंग लेनी है और एक बाल लेना है, इस पे डाल देती हूँ. सो मैंने अपनी रिंग ले ली है और बाल ले लिया है. अब आपको इसको अपने बेली पे रखना है. सो आप अपनी ऐसे रिंग लें, बेली के ऊपर रखें, इसे स्टेबल करें. अब इट इज गोइंग बैक एंड फोर्थ. ओके वाओ रियली ओके कैन यू सी दैट इट इज गोइंग बैक एंड फोर्थ. ओके सो दैट्स इट. आई डोंट नो इट इज़ ट्रू और नॉट, बट ये तो अब डिलीवरी के बाद ही पता चलेगा. बट यू कैन ट्राई दिस फॉर फन, इट वॉज रियली क्यूट. मैंने भी फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने ये ट्राई किया है. चलिए पॉइंट पे आते हैं. अगर पॉइंट देना है तो आपके सामने है. इट वॉज बैक एंड फोर्थ, तो मैं ये देती हूँ बेबी बॉय को. ओके सो नेक्स्ट इज द इमोशंस. इट इज सेड दैट इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स देन इट इज सेड टू हैव अ बेबी गर्ल. एंड इफ You are very calm, very chill, happy and आपके ज़्यादा mood swings नहीं होते. Of course थोड़े mood swings होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल mood swings नहीं होते. चाहे baby boy हो या girl हो, girl की time mood swings ज़्यादा हो जाते हैं, but boy के time जो mood swings होते हैं बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, बहुत कम होते हैं. जैसे आप यू आर वेरी chill, तो मुझे mood swings नहीं होते थे. हाँ कभी कभार थोड़ा सा depression feel हो जाता था, might be because of the hormones, but mostly I was very happy होती थी. So I would give this point to baby boy. So next is headache. बोला जाता है कि अगर आपको बिल्कुल headache नहीं होती तो then it is said to have a baby girl. But अगर आपको बहुत ज़्यादा headache हो रही है या normal है, whatever, आपको headache होती है, तो then it is said to have a baby boy. But मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बिल्कुल भी headache नहीं हुई. मुझे migraine का issue है, तो I was very surprised कि मुझे headache वगैरह क्यों नहीं हुई. तो वैसे तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, मुझे हेडेक नहीं हुई, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे माइग्रेन का, बिल्कुल ठीक हो गया. तो आई वुड गिव दिस पॉइंट टू बेबी गर्ल. सो नेक्स्ट इज द बॉडी टेम्परेचर. अगर आपका जो पैर है वो ठंडे रहते हैं, तो इट इज सेड टू हैव अ बेबी बॉय. बट अगर आप हॉट फील करते हो, आपके पैर ज़्यादा ठंडे नहीं रहते, नॉर्मल रहते हैं, तो इट इज़ सेड टू हैव अ बेबी गर्ल. तो लेकिन मेरे जो पैर हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे रहते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लगती है, तो आई वुड गिव दिस पॉइंट टू बेबी बॉय.
Okay, so next is the skin texture. देखिए अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, स्पेसिफिकली आपकी स्किन और आपके हैंड्स, आपका फेस और आपके हैंड्स अगर बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं तो देन इट इज़ सेड टू हैव अ बेबी बॉय. एंड अगर आपके जो स्किन है, टेक्स्चर है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है देन इट इज़ सेड टू हैव अ बेबी गर्ल. बट मेरा स्किन टेक्स्चर इतना ज़्यादा ड्राई हो गया था दैट मुझे 2-3 बार मॉइस्चराइजर यूज़ करना पड़ता था जैसे जैसे मेरा ट्राइमेस्टर बढ़ता गया. देन आई विल गिव दिस पॉइंट टू बेबी बॉय. तो नेक्स्ट इज कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाते हो तो इट इज़ सेट टू हैव अ बेबी बॉय. बट अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हो तो बोला जाता है कि दैट विल हैव अ बेबी गर्ल. तो मैं काफ़ी ज़्यादा क्लमजी हो गई हूँ, मेरे हाथों से चीज़ें गिर जाती हैं, मेरे हाथ में कुछ भी आते ही मैं गिरा देती हूँ, गिर जाता है, आई एम नॉट एबल टू होल्ड थिंग्स नाइसली. तो ये वाला जो पॉइंट है वो जाता है बेबी बॉय को. सो नेक्स्ट इज योर ब्रेस्ट साइज. कहा जाता है कि अगर आपका जो राइट ब्रेस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट तो इट इज़ सेड टू हैव अ बेबी बॉय. अगर आपका लेफ्ट ब्रेस्ट इज़ लार्जर देन योर राइट ब्रेस्ट तो देन इट इज़ सेड टू हैव अ बेबी गर्ल. बट इन माई केस आई हैव अ राइट ब्रेस्ट लार्जर देन द लेफ्ट वन. सो ये वाला पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को. सो नेक्स्ट इज द नोज शेप. अगर आपका जो नोज का शेप है वो काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है, चेंज हो जाता है देन इट इज़ सेड टू हैव अ बेबी गर्ल. लेकिन अगर आपका नोज का जो शेप है वो बिल्कुल सेम रहता है, साइज सेम रहता है देन इट इज़ सेड टू हैव अ बेबी बॉय. तो मेरा जो नोज का जो शेप है वो बिल्कुल वैसा का वैसा है, थोड़ा सा पॉइंट से थोड़ा सा हुआ था बट इट गॉट नॉर्मलाइज अगेन. सो आई विल गिव दिस पॉइंट टू बेबी बॉय. That's it guys. I really hope you people like this video and you really had fun. And pregnancy related aur bhi topics dekhna chahte ho to definitely mere channel ko aap subscribe kare. From now onwards I will be starting a pregnancy series jisme bahut sari aisi cheeze hai mera experience jo maine bahut search karke knowledge li hai aur jo mujhe doctors se mili hai aur kuch apps ke through. To ye wali sari jo प्रेगनेंसी रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो मैं कवर अप करूँगी जल्द ही. माइंड भी अगर आप में से कोई प्रेगनेंट है और उनका फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आप लोगों को ये वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल लगेगा. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.